दुनिया में टूरिज्म के लिए काफी फेमस देश है मलेशिया। मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ ज्यादा है। एक वक्त था जब यहाँ गैर मुस्लिमों को अल्लाह बोलने पर मना कर दिया गया था। खैर ये तो बाद में बदल दिया गया। इस वक्त मलेशिया में शरिया कानून को लेकर बवाल चल रहा है। पिछले हफ्ते फेडरल कोर्ट के पास की सड़कें सैकड़ों मलेशियाई लोगों से भरी थी। इस उथल पुथल के केंद्र में एक ऐसा फैसला था जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी। कलंटन में शरिया कानून का विस्तार, जिसे वहां की सुप्रीम कोर्ट या फेडरल कोर्ट ने असंवैधानिक मान लिया। मलेशिया के स्टेट में शरिया कानून में कुछ क्रिमिनल ऑफेंसेस को भी शामिल कर दिया गया है। कैलेंटन शरिया क्रिमिनल कोड एक इनएक्टमेंट 2019 को लेकर बवाल है, जिसमें 15 से ज्यादा प्रावधान है। ये बिल कैलेंटन राज्य विधानसभा ने 2021 में राज्य के शरिया कानून में संशोधन करते हुए पारित किया था। इस बिल के तहत शरिया कानून का विस्तार करते हुए क्रिमिनल ऑफेंस को शामिल कर दिया गया। जिस एक्टिविस्ट ने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में उठाया, उसका नाम निक अब्दुल रशीद है। ये लॉयर है और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, जिन्होंने इस बिल को कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बिल में क्रिमिनल ऑफेंस शामिल करने में क्या दिक्कत है, अगर ये समझना है तो समझिए कि इसमें कौन कौन से ऑफेंसेस हैं। सोडोमी यानी कि सेक्सुअल एक्ट्स, पूजा स्थलों को नष्ट करना, अडल्ट्री, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस का इस्तेमाल यानी कि नशीले पदार्थों का सेवन, इंसेस्ट यानी कि फैमिली में किसी से सेक्सुअल रिलेशन बनाना। इन सारे गुनाहों में शरिया कानून के तहत जो सजा दी गई है वो काफी खतरनाक है। ये सब समझने के लिए हमें सबसे पहले मलेशिया की यूनिक ड्यूअल लीगल सिस्टम को देखना होगा। देश के ज्यादातर हिस्सों में सिविल लॉ का शासन है, जबकि शरिया कानून एक पैरेलल सिस्टम है जो मलय मुस्लिम मेजॉरिटी के लिए विरासत, मृत्यु और विवाह जैसे पारिवारिक मामलों से निपटती है। अरबी में शरिया का शाब्दिक अर्थ है पानी तक साफ, अच्छी तरह से जाना जाने वाला रास्ता। शरिया कानून एक तरह से इस्लामिक कानूनी व्यवस्था है। इसे कुरान और इस्लामी विद्वानों के फैसले यानी फतवों को मिलाकर तैयार किया गया है। वैसे इसे जीवन जीने का एक रास्ता माना गया है, लेकिन इसमें अपराध को लेकर भी जानकारी दी गई है, प्रावधान है। इस्लाम के जानकारों का कहना है कि शरिया मुख्य रूप से नैतिक आचरण और पूजा और दान के बारे में है, लेकिन इसका एक हिस्सा अपराध से संबंधित है। कई देशों में शरिया कानून है और इसके तहत जो सजा दी जाती है वो काफी बेरहम भी हो सकती है, जैसे चोरी के लिए हाथ तक काटने की सजा है। कई अपराधों में पत्थर मारकर मौत की सजा देने का भी प्रावधान है। हालांकि कई देश इस तरह की सजा नहीं देते हैं, लेकिन शरिया के आधार पर कई खतरनाक सजा दी जाती है। अब अगर पूछे कि सुप्रीम कोर्ट या फेडरल कोर्ट ने एक्शन क्या लिया है, तो साल 2022 में निक अब्दुल रशीद और उनकी बेटी तेंकू यास्मीन नताशा ने राज्य सरकार द्वारा शरिया कानून में किए गए संशोधन को सर्वोच्च अदालत ने चुनौती दी। दायर याचिका में कहा गया कि फेडरल पावर्स के तहत आने वाले कानून को राज्य सरकार नहीं बना सकती है। फिर फेडरल कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य के पास कानून बनाने की शक्ति नहीं है। संघीय संविधान में यह स्पष्ट किया गया कि कानून बनाने की शक्ति संसद के अधिकार क्षेत्र में है। न्यायालय ने कैलेंटन शरिया कोड के 18 में से 16 कानूनी प्रावधानों को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार बचे हुए 2 कानूनों को लागू कर सकती है। 8-1 के निर्णायक फैसले में संघीय अदालत ने घोषणा की कि इस्लामवादी पार्टी PAS के प्रभुत्व वाली कैलेंटन राज्य विधानसभा ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। ये महज एक प्रशासनिक फटकार नहीं थी, बल्कि मलेशिया में शरिया अदालतों की स्थिति और शक्तियों को बढ़ाने की विपक्षी पार्टी यानी कि भारतीय इस्लाम से मलेशिया यानी कि PAS की महत्वाकांक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण झटका था। उसके समर्थक अब सड़कों पर आकर कोर्ट के फैसले को अल्लाह और इस्लाम का अपमान बता रहे हैं। PAS जो PN गठबंधन का एक प्रमुख सदस्य है, सालों से हाउसकीपिंग से परे मुद्दों पर शरिया अदालतों की स्थिति और शक्तियों को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। साल 2016 में PAS प्रेसिडेंट अब्दुल हादी अवांग ने संसद में एक प्राइवेट मेंबर्स का बिल भी पेश किया था ताकि देश की शरिया अदालतों की स्थिति को बढ़ाया जाए। इससे कुछ नहीं हुआ, लेकिन PAS को अपनी इस्लामवादी एजेंडे को आगे बढ़ाने का मौका मिला जब 2020 में राजनीतिक तख्ता पलट हुआ। मुहिद्दीन यासीन सत्ता में आए, इसी दौरान PAS के एजेंडे को भी हवा मिली। हालांकि 2 साल बाद मुहिद्दीन की सरकार गिर गई और इन्हीं 2 सालों में PAS जिसका कैलेंटन में अच्छा खासा प्रभाव है, पर कानून पास करवा दिया गया।
बता दें 2022 में अनवर इब्राहिम यहाँ प्रधानमंत्री बने, जिन्हें एक सुधारवादी नेता माना जाता है, लेकिन मलेशिया में क्योंकि इस्लाम का प्रभाव ज्यादा है तो इसीलिए इब्राहिम को भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। शरिया कानून के विस्तार पर लगी रोक से नाराज कट्टरपंथी टेंकू यास्मीन नताशा और उनकी माँ को इस्लाम की पवित्रता के लिए खतरा बता रही हैं। विरोध भी किया जा रहा है, राजनीति भी हो रही है, लेकिन इन दोनों महिलाओं ने साफ कहा है कि उनके खिलाफ चलाए जा रहे कैंपेन और आरोप में कोई जान नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।